दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। आज बात रिटायर्ड फौजियों के वन रैंक वन पेंशन एरियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश की, जिसमें सरकार को 15 अगस्त 2023 तक का वक्त दिया गया है। दरअसल भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स इलाहाबाद ने लगभग 25 लाख पेंशनरों की एक लिस्ट बनाई है, जो रक्षा मंत्रालय के पास भेजी गई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द पेंशन का एरियर देने की व्यवस्था करे। इसके लिए हम सरकार को अधिकतम 15 मार्च 2023 यानी इसी साल 15 मार्च तक का समय दे सकते हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि पेंशनधारी अगर किसी बात से नाखुश हैं या कोई और मुद्दा हो तो हमारे पास आप बेहिचक आ सकते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से मामले पर निगरानी रख रहा हूं। अभी फाइल रक्षा मंत्रालय के फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है, जल्द ही एरियर का भुगतान किया जाएगा। हालांकि वन रैंक वन पेंशन के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें कि वन रैंक वन पेंशन का मतलब समान रैंक और समान अवधि की सेवा के लिए समान पेंशन है। इसमें सेवा निवृत्ति की कोई तारीख का मतलब नहीं होता है। यानी अगर किसी अधिकारी ने 1985 से 2000 तक 15 साल सशस्त्र बलों में सेवा दी और एक अन्य अफसर 1995 से 2010 तक सेवा दी तो दोनों को समान पेंशन मिलेगी। इससे लगभग 25 लाख पूर्व सैनिकों को फायदा होगा। जानकारी के अनुसार 1 जुलाई 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए सैनिकों को मिलाकर लाभार्थियों की संख्या 25 लाख को पार कर चुकी है। कहा जा रहा है कि इससे सरकार पर 8,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। संशोधन के बाद पेंशन योजना को जुलाई 2019 से जून 2022 तक का एरियर या बकाया भी दिया जाएगा, यानी कुल 23,638 करोड़ रुपए लगभग दिए जाएंगे। एरियर का भुगतान 4 छमाही किस्तों में किया जाएगा, जिसका लाभ डिफेंस फोर्सेस से रिटायर होने वाले सभी फौजियों या उनके परिजन पेंशन धारकों को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।